आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। हेलो नमस्कार, किसान तक पर आपका स्वागत है। मैं हूँ प्राची सिंह राजपूत। आज तारीख है 1 अप्रैल और बज रहे हैं सुबह के 8। शुरू करते हैं आज की मीठी बात, जो दे रही है बारिश से बर्बाद हो रही फसलों के बीच थोड़ी सी राहत। राहत की ये बात बिहार के किसानों के लिए है। बिहार सरकार ने मुआवजे के तौर पर 92 करोड़ रुपए बांटने का ऐलान किया है। जल्द ही किसानों के खातों में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार में 17 से 21 मार्च के बीच हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी ने रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फसल सर्वेक्षण के आदेश के बाद कृषि विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों ने प्रभावित जिलों में बर्बाद फसलों का सर्वे करवाया। इसमें अभी तक 6 जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और रोहतास शामिल है। इन तमाम जिलों में खड़ी फसल की क्षति 33% से अधिक हुई है। 6 जिलों में कुल 54,022 हेक्टेयर रकबा में फसल बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है। साथ ही अभी कई जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को आदेश देते हुए कहा कि कृषि विभाग को जल्द से जल्द 92 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। सीएम ने कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और जिलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। अब सवाल ये कि किसानों को अपनी फसल क्षति के मुआवजा का ये पैसा कैसे मिलेगा, इसको लेकर कृषि मंत्री के आप्तवाह सचिव भगवती झा ने कहा कि 1 से 2 दिनों में विज्ञापन के जरिए किसानों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके लिए वो किसान पहले की तरह अप्लाई कर सकते हैं, जहां 33% से ज्यादा फसल खराब हुई है। वहीं किसान प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर इस मामले में कृषि विभाग से जानकारी हासिल कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अच्छी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।